देवास जिले के सोनकच्छ विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी राजेश सोनकर अपने काफिले के साथ एक रैली के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे, जहां उन्होंने शुभ मुहूर्त में रिटर्निंग अधिकारी संदीप शिवा को नामांकन दाखिल किया। सोनकर ने मीडिया से चर्चा में सोनकच्छ से भाजपा की जीत सुनिश्चित बताई और विकास के नाम पर भाजपा चुनाव लड़ेगी, ये बात मीडिया से चर्चा में कही। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी सज्जन वर्मा को सोनकच्छ के विकास में अवरोध पैदा करने वाला बताया। वहीं भवरासा को तहसील बनाने की मुख्यमंत्री जी की घोषणा के सवाल पर सोनकर ने कहा कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। हालांकि 15 साल से अधिक समय से भाजपा की ओर से भवरासा को तहसील बनाने की घोषणा की जा रही है, जिसे इस बार कांग्रेस प्रत्याशी सज्जन वर्मा ने भी अपनी ओर से ये घोषणा कर दी है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ जीत दर्ज करता है और ये तहसील और अन्य वादे कब साकार होंगे। सज्जन सिंह वर्मा जी की उदासीनता के कारण यहाँ पर विकास नहीं पहुँच पाया है। इंदौर हम आर्थिक राजधानी मानते हैं, भोपाल हमारी राजनीतिक राजधानी है। दोनों राजनीति का मध्य का क्षेत्र होने के कारण जितना विकास इस सोनकच्छ विधानसभा का होना चाहिए वो दूर दूर तक हमारे यहाँ कहीं नहीं दिखता है। तो सबसे बड़ी जवाबदारी हमारी यहाँ पर सोनकच्छ में विकास को पहुँचाने की है। जिस प्रकार से माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की हर विधानसभा का विकास हुआ, चाहे वह कांग्रेस का विधायक हो या भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, हमने कहीं भी कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन यहाँ के विधायक जी की विकास के प्रति उदासीनता के कारण हमें कोई विकास नहीं पहुँचा, उस विकास के अवरोध को हमें खत्म करें। भैया, आप विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इससे पहले भी आपसे पहले विधायक आए, सांसद आए, भाजपा ने भी यहाँ पे सांसद रहे हैं और कांग्रेस के भी रहे, विधायक भी रहे, लेकिन विकास की बात की जाए तो यहाँ पे विकास के मामले प्योर पिछड़ा हुआ। आज़ादी से लेकर अब तक यहाँ पर रोड नहीं बन पाए, सोनकच्छ की जनता आज मलमूत्र मिला हुआ पानी पी रही है, जो सभी को पता है। फिर आप पे जनता कैसे भरोसा कर ले कि आप जीतने की बात ही करेंगे? मैंने कहा ना, आप अगर पुराने पन्ने पलट के देखेंगे यहाँ पर विकास के, तो जितना भी विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी के विधायक कालकाल में हुआ, चाहे वो कैलाश दायमा जी हो, सुरेंद्र वर्मा जी हो, राजेंद्र वर्मा जी हो, जो भी विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किया है। और जब जब विधायक विकास की यात्रा को अगर रोकने का काम किया, अवरोध का पैदा करने का काम किया, तो कांग्रेस के विधायक क्या लगता है क्या विकास हुआ है यहाँ पर, विकास क्या हुआ क्या लगता है? मैं कह रहा हूँ ना, आप अगर पन्ने पलट के देखेंगे तो जितना विकास आपको यहाँ पर दिखेगा इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में दिखेगा। आपके संज्ञान में कह रहा हूँ ना, जितना विकास यहाँ पर होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ, क्योंकि उसका एकमात्र कारण सज्जन सिंह वर्मा। सोनकच्छ तहसील से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट।